नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। क्या जब किसी देश से तनाव चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, सीमा पर विवाद चल रहा हो, दुश्मन आकर के घर में बैठा हुआ हो, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? संसदीय लोकतंत्र में यूं तो सरकार पर वार करना या आलोचना करना राजनीतिक दलों का के काम का हिस्सा माना गया है, और ये भी माना गया है कि सरकार जो है जब भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी तो राजनीतिक दलों को विश्वास में लेगी। देर से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक करके चीन पे जो है बातचीत की थी। उसमें भी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी, जैसे इंटेलिजेंस फेल्योर, मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल्योर, सेना ने कब कदम उठाया, सरकार ने कब कदम उठाया, क्या किया वगैरह वगैरह। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न कोई घुसा है, ना वहाँ कोई बैठा है टाइप की बात। लेकिन उससे पहले से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी काफी हमलावर हैं। उन्हें लग रहा है कि मोदी से हिसाब किताब बराबर करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो अब इसको लेकर के जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने पहले भी राहुल गांधी को हिंट दिया था या संकेतों में समझाने की कोशिश की थी कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो तो इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए राजनीतिक दलों को। उस दिन भी और किसी राजनीतिक दल ने कुछ नहीं बोला था ज़्यादा, सब ने सरकार के साथ खड़े होने की बात कही थी। लेकिन मीटिंग में, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद राहुल गांधी काफ़ी हमलावर है, सोनिया गांधी और कांग्रेस काफ़ी हमलावर है। तो शरद पवार ने कहा है सीधे सीधे राहुल गांधी के जो सरेंडर मोदी और जो जो उन्होंने कमेंट किया है, अभी कल उन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला है कि मोदी जी आप देश को सच सच बता दीजिए, पूरा देश आपके साथ है, आप मान लीजिए कि ऐसे ऐसे घुसपैठ किया हुआ, उसको हमें उखाड़ के फेंक देना है, ये बात उन्होंने बोली। भाई और बहनों नमस्कार, हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा, हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपने निहत्थे सैनिकों को कैसे भेज दिया वहां पे, सवाल उठाए। अब ये कहते समय राहुल गांधी भूल जा रहे हैं कि 1962 में क्या हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और चीन ने 44,045,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली थी। उसी बात को आज शरद पवार ने बोल दिया है कि ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था। सीधी सी बात है, एक सवाल कौन उठा रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, उनका वार भी उसी पे है। और सवाल भी जो पूछा गया था, सतारा में थे वो, राहुल गांधी का नाम लेकर ही पूछा गया था। उन्होंने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार या सेना सजग नहीं है, क्योंकि जब वो चीनी सैनिकों, एक बात पहले उन्होंने जोड़ी, मुझे नहीं पता कि फैक्चुअल पोजिशन क्या है, वहाँ पर चीन घुसपैठ करके बैठा है या कोई और समस्या है, लेकिन जब उन्होंने उधर से आए वो उनके सैनिक चीन के, तो भारतीय सैनिक यदि सजग नहीं होते तो वो फिर झड़प क्यों हुई होती, वो धक्का मुक्की क्यों हुई होती, क्योंकि 5 मई को सबसे पहले पेंगोंग झील पे धक्का मुक्की हुई थी जिसमें दोनों पक्ष के सैनिक घायल हुए थे, और फिर 15 जून को हिंसक झड़प हो गई जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके भी जवान शहीद हुए जिनको जिसके बारे में उन्होंने आज तक नहीं बताया। तो शरद पवार जो है वैसे तो ईपीए के पार्ट है और महाराष्ट्र अघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके भी पार्ट है, लेकिन जो है वो बात जो है कई मौकों पे दो टुक कर जाते हैं। उन्होंने दो टुक बात ये बोली है
कि राहुल गांधी को ऐसे सवाल इस समय नहीं उठाने चाहिए, पहले बातों को समझिए, देश की सुरक्षा और रक्षा का मसला है, उसके बाद बोला कीजिए। मतलब टोल मोल के बोल टाइप का उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है। अब देखते हैं कि इससे राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी पर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके रोज कोई ना कोई नेता ये सवाल तो उठा ही रहा है मोदी के नेतृत्व पे और मोदी सरकार पे कि आपने क्या किया। तो एक बात तो तय मानिए, ये हकीकत है कि चाइना हमसे मजबूत है, और चाइना बदमाशी कर रहा है, सिर्फ लद्दाख में पेट्रोलिंग वाले इलाके में आके बैठ जाने से नहीं होगा, देर सवेर इस समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन जब भी आप किसी अपने से मजबूत व्यक्ति या पार्टी से लड़ाई लड़ते हैं या देश से लड़ाई लड़ते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। पहले कूटनीतिक प्रयास करेंगे, उसके बाद वार्ता भी जारी रखना चाह रहा है चीन, वार्ता भी जारी रखेंगे। अपने तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि दुनिया कहे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तक दुनिया की नज़रों में कटघरे में चीन है, भारत नहीं। भारत के साथ हर देश की सहानुभूति है, कोरोना को लेकर के चीन वैसे ही अलग थलग पड़ा हुआ है। तो मान के चलिए कोरोना के बहाने चीन तीसरा विश्व युद्ध छेड़ चुका है, और उसका मकसद क्या है, अपने को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। तो भारत तो सिर्फ एक बहाना बना है, क्योंकि उसकी सीमाएं भारत से मिल रही है, वो एक साथ भारत से, ताइवान से, हांगकांग से, वियतनाम से, बहुत सारे देशों से, जापान से, बहुत सारे देशों से लड़ रहा है। जापान में वो पूर्वी चीन सागर में वो अपना वहां पे पनडुब्बी भेज रहा है, दक्षिणी चीन सागर में कुछ और कर रहा है, ताइवान में वो अपना जेट भेज रहा है, उधर फिलीपींस, ब्रुनोई वगैरह वगैरह सबसे भिड़ा हुआ है। तो 14 देशों से उसकी सीमा लगती है, 23 देशों से उसकी लड़ाई चल रही है, मकसद क्या हो सकता है? एक बार में एक ही से लड़ना चाहता है, लेकिन वो सबको छेड़ रहा है। मकसद है कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मैसेज देना कि आप बचा लो जितना बचा सकते हो, मैं अब महाशक्ति के रूप में उभर चुका हूं। तो ये उसका मकसद है, तो जवाब भी उसी हिसाब से देना होगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच में, और जो कुछ भी बोले गंभीरता से और सोच समझ के बोलना चाहिए। तो शरद पवार ने जो सलाह दी है राहुल गांधी को, देखते हैं कि कितना वो अमल करते हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।